उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित शेखर हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनील गोयल से सावधान रहे। बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर मरे हुए मरीज को खून चढ़ाते हैं। हमसे इस क्वालिफिकेशन इस ईसीजी में हमसे ब्लड चढ़ाने की बात कहते हो? दोबारा वो ईसीजी शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ऐसे में बताइए, शर्म आनी चाहिए आपको डॉक्टर साहब। दोबारा ऐसी गलती न करिएगा किसी मरीज के साथ। जाइए आप, चलिए जाइए। ऐसे में ब्लड कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं ब्लड, हमको इसमें ब्लड, मैंने आपको हमको घेरने की बात करते हो, अपनी फाइल कंप्लीट करते हो। मैं गलत बात बोलना, बस बहुत हो, फाइल कंप्लीट करने के लिए हमसे कह रहे हो कि देखिए हम रिफ्यूज कर रहे हैं ब्लड चढ़ाने को। सर जी, उस समय आ रहा था ऑर्डर, अभी नहीं आ रहा, क्या कर सकता हूँ? ब्लड चढ़ाने के लिए रिफ्यूज कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ धिक्कार है तुम्हारी क्वालिफिकेशन। अरे भागिए मत डॉक्टर साहब, सुनिए भागिए मत, बात कर लीजिए, भागिए मत। अरे भागिए मत, स्थिति जब वो खराब होती है तो थोड़ा, डॉक्टर साहब हैं, घर के हैं, फैमिली हैं, तो बात कर लीजिए। देखो भाई, जो भी इस तरह के लिए बता रहे हो, हमको घेरने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या घेरूंगा भाई, मेरा तो पेशेंट गया है और आप कह रहे हो कि पेशेंट में ब्लड का रिफ्यूजल ले गए। सर मानी चाहिए इस तरह से। मैं भी इसी प्रोफेशन में हूँ, सुबह शाम तक मैं टहल रहा हूँ और आप ऐसी गलत बात करते हो। ठीक है, ठीक है, इसमें हम अदर एंड पे फेसिंग एंड पे नॉर्मल। दरअसल आपको बता दें कि एक पेशेंट 7 दिनों से शेखर हॉस्पिटल में एडमिट था और 1 दिन पहले उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने 25 कॉल हॉस्पिटल के मालिक को की, लेकिन फोन नहीं उठा। जिसके बाद डॉक्टर सुनील गोयल से बात हुई तो उन्होंने रात में 2 बजे आकर परिजनों से खून की मांग की और मृतक पेशेंट को खून लगाया। लेकिन जब पेशेंट के फैमिली ने आवाज उठाई तो उसने आखिरी में सॉरी बोल दिया। सवाल ये है कि मरीज की अगर मौत होती है तो समय पर उसको क्यों नहीं बताया जाता, अंधेरे में क्यों रखा जाता है? जब तक सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करती इन हॉस्पिटलों पर, तब तक गरीबों से ये हॉस्पिटल अवैध वसूली लगातार करते रहेंगे। और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इस समय 90 पॉइंट कुछ भी नहीं, हमने सस्ती पेशों को केस देना अच्छी बात नहीं होती। अपनी माँ है तो हमारी माँ है, ठीक है, जो भी है डिक्लेयर कर दीजिए खत्म हो। वो बैटरी 10 मिनट ऑफर पे देते हैं, बैटरी है ना, फिर इसी देकर देते हैं, इसी बैटरी का देख लीजिए। आपकी आपकी परमिशन आते हैं, परमिशन तो आपको मुझे पूछना पड़ेगा किस चीज़ के लिए। सर कह रहे हैं वेंटिलेटर बंद करा के उसका आपको रिटर्न देना पड़ेगा, वेंटिलेटर बंद कर दीजिए, ठीक है, आप ऐसे ही मैनुअल इलाज करिए, रिजल्ट आएगा वेंटिलेटर। तो ये फिर डॉक्टर साहब से कंसर्न कर रिन्यू करेंगे, उसमें ऐसी क्या बात है, डाउट वो भी जाओगे। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक बार मैं परमिशन चाहता हूँ लिख के कि वेंटिलेटर बंद करके मैं मैनुअल चेक करना चाहता हूँ ना। नहीं, मैं कोई परमिशन नहीं दूंगा, वो अपना कर्तव्य निभाएं, वो अपनी ड्यूटी निभाएं, अपनी सुपर स्पेशलिटी का यूज करें, मैं क्यों लिख के दूंगा। वो कैसे डॉक्टर हैं भाई, मुझसे पूछ के नापेंगे बीपी कैसे नापूं, मुझसे पूछ के नापेंगे कि मैं कैसे ऑक्सीजन चेक करूं, ये उनका काम है, मुझसे सारे परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जब मुझे बता दो अब वो चेक करें, बताएं। हाँ बता दो, मुझसे सारे परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। नाड़ी चेक करें, हाथ कुछ नहीं है इसमें, अब आया देखिए बीपी, अब आया 6823, फिर चला गया। वो मशीन है चाचा, वो मशीन है, क्योंकि उंगलियां ठंडी हो चुकी, नहीं कैच कर पा रहा है वो।